इनकम टैक्स गोलंबर पर आज जमकर लाठियां चली। जी हां, निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। यही नहीं, भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बावजूद इसके बिजली विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन पर जुटे रहे और विभाग से लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि निजीकरण की बात महज अफवाह है। पटना में निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल, कर्मियों ने विद्युत भवन का किया घेरा, प्रदर्शनकारियों पर चटकी पुलिस की लाठियां। ये तस्वीर पटना के बीचों बीच की है। इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस ने जमकर लाठियां चटकाई, बिजली विभाग के कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये पूरा विद्युत भवन जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और चारों ओर इस पूरे विद्युत भवन को पुलिस ने अपने घेरे में लिया है। प्रदर्शनकारी जो है, चूंकि बहुत प्राइम इलाका है ये राजधानी पटना का, और इनकम टैक्स गोलंबर और बेली रोड जो है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया था प्रदर्शनकारियों ने। मैजिस्ट्रेट के साथ, पुलिस के साथ धक्का मुक्की किए, नारे लगाए और नहीं मान रहे थे। दोनों तरफ का रोड जाम कर दिया और यातायात को बाधित किया, आवागमन को बाधित किया, आम जन जीवन को अस्त व्यस्त किया। इसके बाद लाठी चार्ज किया, इसके बाद वाटर कैनन का यूज किया गया और नहीं माने उसके बावजूद तब हल्का बल का प्रयोग किया गया है। दरअसल बिजली विभाग के कर्मी निजीकरण के खिलाफ सड़क पर आ गए और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। समझाने की कोशिश हुई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि विभाग का कहना है निजीकरण की बात महज अफवाह है। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निजीकरण का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, न था न है। विभाग का दावा है कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, महज अफवाह है, लेकिन कर्मी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन पर उतरे कर्मियों की माने, विभाग लिखित तौर पर दे कि वो निजीकरण नहीं कर रहे हैं, तभी वो मानेंगे। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों लाठी चार्ज करवाया गया वाटर कैनन के थ्रू। सबके ऊपर जो हमारे यहीं पे काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया गया। कितनों के सिर में चोट लगी है, महिलाएं हैं जिनके सिर में चोट लगी है जो अभी अस्पताल में गए हैं। सारा जो हमारा डिस्कॉम का है उसको प्राइवेट के हाथों में दिया जाएगा, ठीक है। अगर प्राइवेट के हाथों में दिया जाता है तो हम लोग भी प्राइवेट एम्प्लॉई बन जाएंगे। इतना जो एग्जाम देके, इतनी मेहनत करके आदमी जब गवर्नमेंट जॉब लाता है तो इसलिए नहीं ना कि कभी भी सरकार चाहे और हमें उठा के प्राइवेट कर दे। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रायोजित आपका निजीकरण का जो अभी फैसला लिया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हैं। फिलहाल तो इनकम टैक्स गोलंबर से भीड़ को हटा दिया गया है, लेकिन आंदोलनकारी कर्मी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। वो सरकार से निजीकरण पर लिखित बयान की मांग पर अड़े हैं। नवजीत के साथ रजनीश, जी मीडिया।